वैसे चिक्की रिलैक्स वाली कैंपिंग तो आज ही की है अपन ने, तो फाइनली हमारा ट्रायल रूम, चेंजिंग रूम, कुछ भी बोलो इसको, ये भी रेडी है। 1.5 साल की उम्र से इसने वॉलंटियरिंग स्टार्ट कर दी हमारे साथ। सर अभी से फीलिंग आ रही है मस्त वाले पराठे बनने वाले हैं। जमीन पे बैठ के सिकोर में चाय पी रही है मस्त वाला। और ये बाहुबली पराठा भैया हमारे लिए स्पेशल बनाया भैया ने। 1 2 3। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 नए ब्लॉग में स्वागत है। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कैसे हमारी सुबह बीती थी इतनी शानदार खूबसूरत जगह पर। अभी दिन के बज रहे हैं करीब डेढ़ डेढ़ बज रहे हैं, 1 घंटे का हमने गैप ले लिया था। और भैया बच्चों ने इतनी तबाही मचाई ना सुबह सुबह, पूरे गंदे हो गए, बालों से लेकर हर जगह कपड़ों में मिट्टी मिट्टी कर ली है। तो सामने है जी एक ट्यूबवेल, ट्यूबवेल बोलेंगे या कुछ ऐसा फवारा टाइप है नेचुरल, तो जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, तो वहां पर लेके जाते हैं एकदम देसी स्टाइल में, गांव वाली स्टाइल में इनको नहलाते, सर्विस करते हैं थोड़ी इनकी। तो अभी से लेके रात तक की जो भी हमारा डेली का रूटीन रहेगा, क्या हम बनाते हैं, खाते हैं, कैसे रहते हैं, करते हैं, सब कुछ आपसे शेयर होने वाला है। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और चैनल पे नए हो तो उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं नई एनर्जी के साथ। ये चीज भी हम पहली बार यूज कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा ट्रायल रूम, चेंजिंग रूम, कुछ भी बोलो इसको, ये भी रेडी है। अभी हवा के कारण थोड़ा सा चिपके हुआ है। कोई भी आपको अगर कपड़े वपड़े बदलने करने हो, कुछ भी ओट या प्राइवेसी चाहिए हो, तो ये लगा सकते हैं। इसे हमने अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस है इसका। और इधर बच्चा पार्टी रेडी बेटा, देखो सबने अपना अपना टॉवल ले लिया है। अरे सात्विक जी कहाँ है, सात्विक जी ये आ गए, सात्विक जी अब इनकी सर्विस करनी है भैया। अभी उसने कर दिया ना, गिरेगा जोरदार वाला। असली घाव का मजा लेना हो ना तो ये करो। अरे स्विमिंग पूल नहीं है, इसको अवॉइड करना भैया, मैं आधा ही दिखाऊंगा। सबकी प्राइवेसी होती है, क्यों चेहरे को ठंडे ठंडे पानी से नहला दिया भैया। शिवाय को पकड़ के ला रही है उसकी मम्मा। अब आ गया गुस्सा भैया इसको, अब आ गया गुस्सा ठंडे ठंडे पानी से। चलो आप ही आप ही नहा लो ठंडे ठंडे पानी से। क्यों नहा लिए? चलो जी अब बाकी सब तो पहुंच गए, पहुंचने वाले गाड़ी पे, अब सात्विक जी जाएंगे सबसे एंड में। चलो वेरी गुड। और यहाँ पर दिख गए हमें गन्ने के जूस वाले भैया, तो एक गिलास गन्ने का जूस पी लेते हैं। मसाला डाल देना भैया। भैया को मैंने बोला यार एक काम करो, आपकी गाड़ी उधर ही ले आओ हमारे घरों के वहीं पे, और सभी को एक बार ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिला देते हैं, थोड़ा आनंद आ जाएगा एकदम। आ जाओ इधर ही ले आओ, आगे तक ले आओ। हाँ इधर कर दो, जूस पीना शिवाय। हाँ जूस के नाम से स्माइल आ जाती है। हमारी मनसा तो एकदम डॉल लग रही है भैया, न्यू न्यू ड्रेस में। जूस पीना है गन्ने का? आ जाओ सब बच्चा पार्टी, आ जाओ सात्विक आ जाओ। पर ये सब बच्चे लालसा भरी नजरों से देख रहे हैं कि हमें जूस कब मिलेगा। जूस का आनंद लीजिए गर्मा गर्म, गर्मा गर्म बोल दिया मैंने, ठंडा है जबकि। फुर्सत के क्षण, इन्हें देखिए और सांप को देखिए, मतलब एकदम चिल है ना। ऑल सेट गाइस, तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30, और मतलब मस्त वाला रेस्ट हो गया है। रेस्ट तो क्या मतलब, चिल मार रहे थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। इधर चिक्की मैडम देखो, इसको भी चैन नहीं, ये तो नहीं रेस्ट कर ले, आराम से तैयार होके बैठ गई। और अभी दिखाता हूँ बच्चों की मस्ती। विवेक भैया ने उनके लिए एक रस्सी से झूला बना दिया पेड़ के ऊपर, तो बावले हो गए ये देख लो आप, 1 घंटे से उसी पे झूम रहे हैं कर रहे हैं। तो दिखाता हूँ देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं बच्चे, ये देखो जी ये देखो असली मजा मोबाइल वाली दुनिया में बच्चों का। पता ही नहीं चला दोस्तों, सुबह के करीब 7-7:30 बजे हम उठ गए थे, और सुबह का आपको ब्लॉग दिखाई दिया था हमने, और उसके बाद दिन कैसे बीता मतलब 3-4 घंटे में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। धूप तेज है, धूप में जा रहे तो गर्मी लग रही है, लेकिन ऑनिंग के नीचे जैसे बैठे हैं ना तो मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है नॉर्मल, और गर्मी नहीं कह सकते कहने का मतलब। और इधर चिक्की मैडम अकेले टाइम पास कर रही है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं। वैसे चिक्की रिलैक्स वाली कैंपिंग तो आज ही की है अपन ने, ऐसा टाइम शिशु में करा था, सेकेंड टाइम आज करा है हमने यहाँ पे। मतलब इतना लंबे टाइम तक हम किसी एक जगह पे रुके हैं ना, मतलब एकदम चिल जिसको बोलते हैं ना। इधर फ्रूट दिखे नहीं, और शिवाय बाबू ने अनार निकाल ली कि मम्मा खाना है। आंटी काका खा रही है, आंटी काका खा रही है, खाने दो उनको, बस आप भी खा लो। और भैया यहाँ पर स्विमिंग पूल बिछाने की तैयारी चल रही है, टैंकर बुला लिया भैया ने। जंगल में भी प्राइवेट पूल का मजा, फुल प्रेशर, ये तो सच में बड़ा स्विमिंग पूल है यार, गहरा है काफी। अजय क्या बोलते हो, देखो ऐसे कहते हैं व्यवस्था मस्त एकदम, माहौल बना देंगे भैया।
बच्चों में ऐसा इंटरेस्ट है ना, सुबह इतने नहा लिए उसके बावजूद मन नहीं भरा इनका। और अब जो चढ़ा हमारे शिवाय बाबू को। तो गाइस देखा आपने बच्चों ने कितनी मस्ती करी यार, पता ही नहीं चला कब शाम के 4:30 बज गए। तो मैं और विवेक भी सोच रहे हैं कि यहाँ से पैकअप करते हैं और निकलते हैं अपने अपने घर की साइड। लेकिन उससे पहले जो रात का डिनर है वो एक स्पेशल जगह होने वाला है, बीच में एक सैंड ड्यून्स करके जगह आएगी, पुष्कर में ही है। मतलब वो हमने वहां पर पहले राखी का सेलिब्रेशन भी किया था अगर आप लोगों ने देखा है तो भैया सनसेट का एक शानदार वाला माहौल बनाएंगे और कुछ स्पेशल डिश बना के खाएंगे और उसके बाद सब अपने अपने घरों पे। तो चलिए जी अब टाइम है सबसे मेन काम, टेंट को वाइंड अप करने का। इसमें मुझे करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे और मैं बताता हूँ कैसे क्या करता हूँ एक बार। वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है लेकिन आज मैं अकेला हूँ करने वाला, तो देखते हैं अकेले को कितना टाइम लगता है और कैसा होता है, हार्ड है या टफ है या कैसे आसान है, सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। आप क्या करना है ऊपर? अपने आप चढ़कर आ गया गाइस, अपने आप, मतलब इसको पूछो यार। वेरी गुड, सबसे छोटा ओवरलैंडर बनेगा हमारा शिवाय। देखना 1.5 साल की उम्र से इसने ओवरलैंडिंग स्टार्ट कर दी हमारे साथ। क्यों शिवाय? और तू ये लो, टेंट की मैंने सारी विंडोज वगैरह क्लोज कर दी जैसा कि आपको मैंने बताया था। उसमें पूरा मुझे करीब 10 मिनट का टाइम लगा, बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। और अब टाइम है ऑनिंग को बंद करने का। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम लगता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो उसके पिलर्स अपन करेंगे और उसके लॉक इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे। इसका एक पिलर रिलीज हो गया, देखिए जी इसमें ये एक्सटेंड करने के लिए लॉक है, तो ये होते ही देखो ये अंदर जाने लग जाएगी। और इस तरह से हो चुकी है हमारी ऑनिंग क्लोज और पैक करने की बारी है। देखो पापा ने कैसे क्लोज किया शिवाय, 1 2 3 बस। टेंट में इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी ऑनिंग में लगी आज। ऑनिंग की मेरी गलती के कारण पूरा एक जगह कपड़ा फोल्ड हो गया था। टेंट में मुझे 10 मिनट का टाइम लगा टोटल। खुशी मिलती है ना किसी दाग लगने में, तो वो दाग अच्छे है। और आज की तो बहुत बड़ी खुशी, दिन भर से कुछ नहीं किया आपने। एक हल्की सी ट्रिक की जरूरत पड़ती है, देखिएगा आप। बस हो गया, अब इसको इसके कवर में डाल देते हैं। चले जी बाथरूम हमारा रेडी है वापस घर चलने के लिए। सबसे इजी होता है इसको खोलना और इसको बंद करना। देखिए जी ओवरलैंडिंग का एक बहुत बड़ा रूल है, जहां पर भी अगर आप लोग कैंपिंग करते हो प्रकृति के बीच में, तो ये मान के चलिए वो आपकी हमारी सभी की एक दायित्व बनता है ऐसा कि वहां पर कुछ भी कचरा ना छोड़े। हमने ओवरऑल सारा कचरा ऐसा उठा लिया है, बिल्कुल साफ छोड़कर जा रहे हैं। जितनी पहले नहीं थी ना उससे भी ज्यादा साफ छोड़कर जा रहे हैं। क्यों सर? हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया, शानदार, रिलैक्सिंग, चिल वाइब हुई है। पक्का ना? हाँ, कैमरे के सामने मत बोलना, अगर कुछ गलत लगा हो तो वो भी बोल देना मेरे चिल्लाने के अलावा। वो तो मैं चिल्लाता रहूंगा, मेरी आदत है। एक बार गाइस वापस पूरी जगह देख लीजिए, मतलब इतने ब्यूटीफुल लगते हैं ना सुबह और शाम को, तो ये सारे इतने पेड़ है। मतलब 2-3 महीने बाद बारिश के टाइम में तो भाई साहब यहाँ पर आपको धूप नहीं दिखेगी, इतने घने हो जाते हैं। दोस्तों देखिए एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, नीलगाय। नीलगाय का अगर कभी आपने नाम सुना हो सकता है आपके उधर कुछ और बोलते हो। ये देखिए थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। मतलब वैसे तो खतरनाक नहीं है लेकिन आप इसके आसपास जाओगे तो हो सकता है ये आप पर हमला कर दे। ये देखिए, अब बोला है शिवाय। ओ पाजी, बहुत दिन बाद बोला रे, यहाँ पे कौन से पाजी दिख गए आपको शिवाय? सनसेट के टाइम में कैमल सफारी कितने खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए जी सामने स्कॉर्पियो फंस गई, जैसे हम जैसलमेर में फंसे थे ना, वो एक गलती कर रहे हैं फुल टॉर्क पे उठा रहे जबकि उनको बहुत धीरे धीरे उठानी चाहिए हवा कम करके। अब तो भैया मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस तो हो गया कि कैसे गाड़ी निकालनी है, क्योंकि गाइस जैसलमेर में जो चोट हुई थी ना भैया खतरनाक वाली। और आज की हम आपको जो हम डिनर बनाएंगे डेजर्ट में, वो एक बार लोकेशन बता देता हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए पूरा डेजर्ट है, ऊपर सावित्री माता का मंदिर है, ये देखिए दर्शन कर लीजिए यहीं से। और सनसेट होने वाला है, इस सामने सनसेट हो रहा है और इधर अपनी लाडो खड़ी है। तो अभी विवेक सर और हम आए हैं चाय लेने सबके लिए, क्योंकि दूध जो था हमारे पास वो फट चुका है फट चुका है। और ये देखिए गाइस एक चीज और बताता हूँ, नेशनल सैंड आर्ट पार्क है ये। मैंने आपको एक मेरा छोटा सा ब्लॉग था उसमें एक सैंड आर्टिस्ट है हमारे यहाँ के अजय रावत। अरे अजय भाई क्या हालचाल, कैसे हो?
तो चिक्की मैडम की इधर हालत देखिए, क्या कर दी है, जमीन पे बैठ के सिकोर में चाय पी रही है मस्त वाला। पर इससे बेस्ट लोकेशन गाइस कुछ नहीं हो सकती, क्या लोकेशन है। और इधर विवेक सर गर्मा गर्म चाय कुल्लड़ में सर्व करते हुए। तो यहाँ पर प्लान में कुछ चेंज हो गया है, भैया ने बोला यार गाड़ी उधर अटक जाएगी डेजर्ट में, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर इनका ट्रक खड़ा ही है, उधर आलू उबालने के लिए रख दिया, भाभी अंदर लगी हुई है। और भैया बनाएंगे आज स्पेशल हमारे डिमांड पर आलू के पराठे। तो भैया आज घुमक्कड़ बक्स का किचन जो है ना कारवा भारत के हवाले है। तो जी फटाफट आप सेटअप करते हैं किचन का। दस सेकंड ओनली, 10 सेकंड से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। इसमें क्या बनाओगे? कुछ नहीं। तो आज पहली बार आप विवेक भैया को हमारे किचन पे काम करते हुए देखोगे। तो यहाँ पे आलू को कस के बनाओगे आप, है ना? विक्रम जी के होटल में मिलेगा ये वाला पराठा। चलो जी अच्छा पहुंच जाएंगे, कश्मीर जाएंगे जब विक्रम जी से भी मिलेंगे। और इतने सारे हमने देखे आलू उबाल लिए, हमने नहीं मतलब भाभी ने, साथ में है जी ये धनिया, हरा धनिया ना, हरा धनिया, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, हरा धनिया। सर अभी से फीलिंग आ रही है मस्त वाले पराठे बनने वाले हैं। तो अब बारी है जी मसालों की। ये सबसे पहले मसालों का राजा नमक, राजा ही बोलेंगे सर, नमक के बिना कभी खाना अधूरा है। बिना मिर्ची का खाना खा सकते हैं, बिना मतलब बन ही नहीं सकता। हाँ, और ये फाइनली भैया ने बॉईल किए हुए मटर अब इसमें मिक्स कर दिए, तो आलू मटर के पराठे खाने को मिलेंगे भैया आज। चलिए जी एक स्पेशल चकले के ऊपर अब देखिए विवेक भैया का टैलेंट, मस्त एकदम, क्या हाथ चल रहे हैं यार। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, हैं? खाना बनाना नहीं पड़ रहा क्यों? सर आपने मेहनत बचा ली आज चिक्की की। ये गया जी अब ये तवे के ऊपर, मतलब एक जगह से भी मसाला निकला नहीं है, ये होता है जी वो हाथ से मिला ना अपन ने। हाँ प्रो लेवल है सर, प्रो लेवल। ये लगा जी देसी घी, क्या बात है, घी लगते चिक्की की जवान लगी निकली है। सबसे पहला पराठा क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम शुद्ध देसी घी के साथ में रेडी हो चुका है। और सर देखते ही मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है मेरे को, मस्त लग रहा है ना। सबसे पहले प्लेट गई है दादी जी के लिए। पूरा पूरा विश्वास है चिक्की जी आप पे, हमें बस खाना बनाने में विश्वास नहीं है ना। अच्छा सर गवाह है। गाइस अपना तो यही सीन है, जहाँ मूड बन गया वहीं पर अपन आलू बना देते हैं। तो एकदम से सनसेट वगैरह देखा, हमारा वैसे घर जाने का ही मूड हो रहा था जहाँ तक बताऊँ आपको। तो फिर भैया का और मेरा दोनों का मूड बन गया, बाकी सब ने भी रजामंदी दे दी, चाय पीने रुके तो फिर यहीं पर रुक गए। तो वैसे अभी नाइट स्टे की यहाँ पर कुछ भी प्लानिंग नहीं है, खाना ना आराम से खाएंगे 9-10 बजे तक, और उसके बाद आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है अजमेर का मतलब हमारे घर का, तो अब घर जाके सोएंगे आज रात, और कभी देखेंगे कोई छोटी मोटी कैंपिंग या फिर सीधा लंबी ट्रिप पे लेके चलेंगे आप लोगों को। तो चलिए फिलहाल तो आलू के पराठे एंजॉय करते हैं विवेक भैया के हाथ के, उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना आगे। अरे वाह मनसा तो आज पापा की ड्राइविंग सीट पर बैठ के पराठा खा रही है, और उधर कौन बैठा है, शिवाय? शिवाय ने खा लिया। हाँ, वो खा चुका। और ये बाहुबली पराठा भैया हमारे लिए स्पेशल बनाया भैया ने फुल स्टफिंग के साथ, अच्छी भूख लगे और अच्छा भोजन मिल जाए, बस 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 बस, और अच्छी लोकेशन पे, ये तीनों चीजें साथ में मिल जाए ना मतलब फिर तो कहना ही क्या, मस्त एकदम करारा करारा। देखो आप जैसे अमृतसर के कुलचे होते हैं ना फुल स्टफ वाले, उस टाइप का लुकिंग आ रही है इसकी, चुरचुर नान वाली। ये आया जी हमारा पराठा, अब इसको खाएंगे हम कल वाली एक चटनी जो भैया ने बनाई थी उसके साथ। अरे बस 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 सर इतना प्यार मत बरसाओ हम पे, धन्यवाद जी धन्यवाद। तो भैया आप हम भोग लगाते हैं, वैसे तो सच बात बोलो देखकर ही लग रहा है जोरदार बना है। अब ये यहाँ पे ना इनका परमानेंट डायलॉग आने वाला है, आनंद परम आनंद। ये जब भी आ जाए ना डायलॉग मुंह पे मतलब समझ लेना वो बिल्कुल एकदम अंदर से होते हुए दिल पे लगी है चीज। भैया एक नंबर बनाया यार सच में, क्या बहुत प्यारा। हाँ तो भाभी जी थोड़ा अपने पतिदेव की भी तारीफ कर दीजिए, कैसा बना? तारीफ तो मैं क्या
ये हर रोज ही अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ मैं तो भूल ही गया कि इस चीज से दो चीजें सत्यापित होती हैं, एक खाना स्वादिष्ट बना है, दूसरा खाना रोज यही बनाते हैं। ये तो है, प्रूफ मिल गया भैया। मतलब रोज भैया को आप दिक्कत देते हो, मेहनत करवाते हो भैया की, है ना? मेहनत तो कहाँ करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आपने बोला कि भैया रोज पूरी तैयारी करिए, बस देख के इसका। आ गई सर बात, आ गई। हाँ जी मैडम बताओ, कुछ अलग टाइप का पराठा खाने को मिला आज, आलू मटर का, कैसा लगा? बहुत अच्छा पराठा, बहुत स्टफिंग के साथ, है ना? कम मिर्च मसाला, कितना टेस्टी है। मेन चीज जो सर ने देसी घी लगाया ना इस पे, हाय हाय हाय, उससे मतलब डबल टेस्ट आ गया, डबल टेस्ट। ऑल सेट गाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया का, जो इतना शानदार उन्होंने हमें डिनर कराया। तो अब चिक्की की मेहनत अब है थोड़ी बहुत, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केवल इसको केवल ये अवेरा सवेरा करना है इसका। अवेरा सवेरा ही बोलेंगे सर, ये ऐसे ही बोलती है इसको। नहीं, यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो अब यही की हो गई ना, अजमेर की है तो अब इंदौर की थोड़ी ना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे अंत करते, यहीं पर एंड करते हैं। विवेक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो दो दिन हमारी इतनी शानदार वाली ओवरलैंडिंग हो गई, इसको कहते हैं प्रॉपर ओवरलैंडिंग, एकदम चिल मारा दिन भर आराम से। आपने देखा होगा बच्चों ने, सबने, बड़ों ने बहुत एंजॉय किया, और मेनली तो हमारी इस बार रूफटॉप टेंट के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऑनिंग वगैरह जो आपने देखा होगा। तो अब कह सकते हैं कंप्लीट ओवरलैंडिंग व्हीकल बन गया हमारा, क्या कहना हो चाहोगे? बिल्कुल, ये दो दिन मतलब सच में सर के साथ में और भाभी के साथ में इतने बढ़िया, और इतने बच्चों ने सच में बहुत एंजॉय किया। सुबह से अगर आप हमारा ब्लॉग देखेंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं सच में बच्चे अगर स्टडीज भी कर रहे हैं अपने टाइम में, शेड्यूल में इतना बिजी रहते हैं, थोड़ा सा समय निकालिए बच्चों के साथ में। और अगर आपको शौक है कैंपिंग का तो प्लीज इस तरह से जाना चाहिए, अभी से स्टार्ट कर दो, सोचा मत अभी से स्टार्ट कर दो, दो दिन स्ट्रेस फ्री लाइफ सच में। तो चलिए जी, अपना प्यार बनाए रखना, जल्दी मिलते हैं कोई नई सीरीज के साथ, कोशिश पूरी करेंगे जल्दी लेकर आए, लेकिन जैसा कि आपको पता है इतना समय नहीं मिल पाता है, तो बिल्कुल उस चीज के लिए हम समय निकालने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, धन्यवाद। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।